नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS News। मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। मुठभेड़ के दौरान चार बदमाशों को किया गिरफ्तार। SSP संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में मुठभेड़ स्पेशलिस्ट बनी इटावा पुलिस। दो दिनों में हुई तीसरी मुठभेड़ में पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत राहिड गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच आधा घंटा से अधिक चली थी गोलियां। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश भी घायल हो गया था। लगातार जनपद इटावा में तीसरी मुठभेड़ कर अपराधियों के मंसूबों पर लगाम लगा दी है। घायल बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसका इलाज चल रहा है। और भी बड़े सबूत खंगालने में पुलिस टीम लगी हुई है और भी जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ने घायल बदमाश से चार बदमाश किए गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार किए बरामद। ये जनपद इटावा में कल देर शाम रात्रि में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक जो बदमाश है उसको गोली लगी है और उसके बाकी अन्य तीन साथी, टोटल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से हथियारों की रिकवरी जो है वो हुई है। इस रिकवरी में मैं आपको बता दूं, एक 303 राइफल है, दो 12 बोर की बंदूक है, एक 315 बोर की देसी कंट्री मेड राइफल है, 18 जिंदा कारतूस है, कुछ खोखे है, एक अल्टो कार है जो इन्होंने घटना में प्रयोग किया था, और बाकी कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं जो कि आर्म्स डीलिंग्स में ये लोग करने में शामिल थे। चार टोटल अभियुक्त है। इन पे और भी काम हमारा जारी है। जो 303 राइफल है उसके मैगजीन्स पे नंबर मिले हैं और भी लोगों के नाम मेरे पास आए हैं, उस पे मैं और इनके नेटवर्क को डेवलप करा रहा हूं। आगामी आने वाले दिन में इस गैंग के जो इंटर जोनल गैंग है इसके बाकी सदस्यों की भी धरपकड़ की जाएगी, और अगर बड़े किसी अपराध में या बड़े किसी आर्म्स डीलिंग में ये लोग हैं तो इसका भी खुलासा आने वाले दिनों में किया जाएगा। फिलहाल जनपद इटावा में पुलिस मुठभेड़ में ये चार अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से वेपन्स की रिकवरी हुई है, और लगातार आगामी आने वाले चुनाव और त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद इटावा में अपराधियों के खिलाफ अभियान यूं ही चलता रहेगा। सर, जिस तरीके से आपने बताया कहीं ना कहीं अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, तो क्या नए हथियारों को लाते हैं या लूट के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं बेचने? ये जो रिकवरी सामने दिख रही है इसमें 303 राइफल है और बाकी 12 बोर आपकी बंदूक भी है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पास हथियार ठीक ठाक जो है वो फायरिंग पावर के हैं। और इनसे हमारी पूछताछ अभी भी जारी है और कुछ और भी मुझे इनपुट्स मिले हुए हैं इनके और भी साथियों के, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आपको जो है मीडिया को और पूरी जो पब्लिक है उनको भी हम लोग टाइमली ब्रीफ करेंगे कि क्या इनका गैंग था और ये क्या क्या चीजों में और संलिप्त है। पुलिस टीम को इनाम और ये जो सराहनीय कार्य करने वाली जो मेरी टीम है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के अलावा IG रेंज कानपुर सर के द्वारा भी 30,000 रुपए का इनाम जो है मेरी पूरी टीम को जो है ये अनाउंस किया गया है, और हमारी टीम जो है लगातार जनपद इटावा में इसी तरह अपराधियों के खिलाफ कार्य करती रहेगी।